और आइए बात करते हैं भारत की बेटी सुनीता विलियम्स की, जो अंतरिक्ष में पिछले 56 दिनों से फंसी हुई है और अभी तक उनकी वापसी का कोई ऐलान भी नहीं हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि वो वापस कब लौटेंगे, उसके लिए नासा के पास क्या कोई इमरजेंसी प्लान है, और इतने दिन से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स की तबीयत अब कैसी है, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। छप्पन दिन बाद भी सुनीता विलियम्स की वापसी पर संकट क्यों? आखिर कब होगी सुनीता विलियम्स की वापसी? आखिर कैसे होगी सुनीता विलियम्स की वापसी? अंतरिक्ष में कैसी है सुनीता विलियम्स की तबीयत? धरती से मदद पहुंचाने में इतनी देर क्यों हो रही है? 5 जून 2024 ये वो तारीख थी जब भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तीसरी बार अंतरिक्ष में पहुंची, और 1 अगस्त 2024 यानी आज का दिन सुनीता विलियम्स ISS यानी अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर फंसी हुई है। सोचिए, नासा ने बोइंग स्टारलाइनर से अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी वज फिल्मोर को सिर्फ 10 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा था, लेकिन 56 दिन बाद भी सुनीता विलियम्स को धरती पर आने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। उनके अंतरिक्षयान यानी बोइंग स्टारलाइनर को अभी भी पूरी तरह से उड़ान के लिए तैयार करने में समय लग रहा है। इस दौरान वो खुद को बिजी रखने की पूरी कोशिश कर रही हैं। पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी सुनीता विलियम्स और उनके साथियों ने एक ड्रामेटिक वीडियो बनाया था, ये उसी का हिस्सा है। उनका यान थ्रस्टर्स में गड़बड़ी और हीलियम लीक की वजह से धरती पर वापसी के लायक नहीं रह गया था, लिहाजा नासा उसकी मरम्मत से लेकर उससे जुड़े तमाम टेस्ट कर रहा है। और खबर है कि नासा के नए टेस्ट ने सुनीता विलियम्स की जल्द ही धरती पर वापसी के लिए उम्मीद जगाई है। नासा और बोइंग ने 27 जुलाई को स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम का एक हॉट फायर टेस्ट पूरा किया है। उस समय सुनीता विलियम्स और उनके साथी विलमोर स्पेसक्राफ्ट में ही मौजूद थे। उस टेस्ट के परिणाम सकारात्मक रहे हैं और इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वो धरती पर वापस आ सकती है। हालांकि अपने दम पर वापसी के इस मिशन के लिए सुनीता विलियम्स के पास अब सिर्फ 17 दिन ही बचे हैं। अगर इन 17 दिनों में सुनीता विलियम्स का अंतरिक्षयान नहीं उड़ा तो उसके बाद नासा मदद के लिए क्रू-9 मिशन लॉन्च करेगा। क्रू-9 मिशन को नासा 18 अगस्त से पहले लॉन्च नहीं कर सकता, उसकी अपनी चुनौतियां हैं, जिसकी मदद से सुनीता और उसके साथी विलमोर को धरती पर लाने की उसके बाद तैयारी की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, स्पेस स्टेशन का माहौल सुनीता विलियम्स और उनके साथी के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी कर रहा है। सुनीता विलियम्स की मांसपेशियों हड्डियों की डेंसिटी कम हो रही है, वो लगातार बोन लॉस महसूस कर रही हैं। इसके अलावा उन पर और भी बहुत से खतरे हो सकते हैं। उन पर रेडिएशन एक्सपोजर का भी खतरा बढ़ रहा है, फ्लूइड रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण उनके चेहरे पर सूजन का खतरा है, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन में रुकावट आ सकती है, यूरिनरी सिस्टम भी बुरी तरह प्रभावित हो सकता है, यूरिन में हाई कैल्शियम लेवल किडनी स्टोन का भी जोखिम बढ़ा सकता है, तो हार्मोनल चेंजेस की भी आशंकाएं बढ़ गई हैं। इन सब के साथ नजरें भी कमजोर हो सकती हैं। नासा को भी ये बखूबी पता है, इसीलिए वो सभी खतरों को भांपते हुए जल्द से जल्द अंतरिक्ष यात्रियों को वापस बुलाने की तैयारी में जुटा है। उम्मीद करते हैं जल्द ही सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष को भेद कर धरती पर लौटेंगी और दुनिया को अपने नए अनुभवों से रूबरू कराएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। Z News.